यौम शोहदा पुलिस के चेयरमैन राजा शफकत साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जेडीसी के बारे में कुछ राय लेते हैं। जेडीसी कैसा काम कर रही है? राजा शफकत साहब कैसे हैं आप? जेडीसी के बारे में मुझे कुछ बताइए कि कैसा काम कर रहे हैं ये लोग। भाई जेडीसी तो वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में क्या पूरी दुनिया की तारीख में कोई नहीं कर रहा। और जफर मज़े की बात बताऊं कि मैं खुद चेयरमैन हूं पाकिस्तान पुलिस का यौम शोहदा का, और मेरे जो उस्ताद हैं वो सैयद जफर अब्बासी हैं। और कोरोना में मैंने जेडीसी में जो काम किया और जो मैंने जफर भाई की टीम का और जफर भाई का काम देखा तो 24 घंटे ही ये काम करते थे। 24 घंटे यानी कि दोपहर का जो खाना होता था हम सुबह 5 बजे खाते थे। ये पोजीशन थी 750 लेबर सुबह लगती थी, 750 शाम को जो राशन पैक करती थी। और सबसे बड़ी बात है जेडीसी वो काम कर रही है कि इंसानियत की खिदमत कर रही है। इंसानियत की खिदमत की आला मिसाल है। इन्होंने हिंदू हो क्रिश्चियन हो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, इन्होंने ये जो पैगाम दिया है ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम है कि और अल्लाह ताला को सबसे पसंद भी बात यही है, कुरान में जिक्र है कि मेरे लिए दुनिया का सबसे अजीम आदमी वो है जो इंसानियत की खिदमत करता है। और आज आपको एक खुशी की खबर भी सुना दूं कि सैयद जफर अब्बास साहब को कल यहाँ पाकिस्तान हीरो अवार्ड दे रहे हैं, जो पाकिस्तान का बड़ा अवार्ड है। कल इंशाल्लाह इसी टाइम हम हीरो अवार्ड देंगे, और ये अवार्ड गवर्नर साहब को भी दे रहे हैं, सैलानी को भी दे रहे हैं, जो लोग इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं उनको दे रहे हैं। लेकिन जो जेडीसी है वो हीरो है पाकिस्तान की, उसकी पूरी टीम हीरो है। और अल्लाह ताला इन पर और करम करें, मौला मुश्किल शाह के सदके इनको और इज्जत दे। और मेरे तो उस्ताद हैं, मेरे लिए फ़ख्र है कि जेडीसी जफर अब्बास भाई मेरे उस्ताद हैं। और हम माशाल्लाह देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में यहाँ भी, इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों में जौहर मोड़ पे, कराची, बहुत सारी जगहों पे सैरी और अफ्तार हो रही है और इंसानियत की खिदमत हो रही है। अल्लाह जेडीसी को और तरक्की दे। बहुत शुक्रिया।